ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ सब तो पहला इस मामले से तुहानू ताज़ा अपडेट तुहानू दस दिए ते नाल ही तस्वीरां भी दिखा दिए तलवंडी साबो विच प्रबंधित किए जा रहे सरबत खालसा नू लैके पंथक जथेबंदियां बजिद नज़र आ रही ने पंथक जथेबंदियां वल्लों प्रबंध वाली थां ते बस दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया ते जदों पुलिस वल्लों इस बस नू हटाउण दी कोशिश की गई तां पंथक आगुआं ने इस बस दे टायरां दी हवा कढ़ दित्ती जिस करके बस हुण उत्थे ही खड़ी हो गई है ते दूजे पासे बठिंडा वल नूं जाण वाले रस्तियां नूं पुलिस वल्लों पूरी तरह सील कर दिता गया है दूजी तस्वीर है बठिंडा दी उस थां दी है जिथे सरबत खालसा दा प्रबंध कीता जाणा है ते हर पासे नाकेबंदी आले दुआले कर दित्ती गई है बसां ते गड्डियां दी तलाशी भी लई जा रही है दो तस्वीरां ने एक पासे पंथक आगू ने जो कि पूरी तरह दे नाल अडिग नज़र आ रहे ने ते सरबत खालसा करन दी गल कह रहे ने कल इसे थां दे उपर अखंड पाठ साहिब दे भोग सवेरे 11 बजे पाए जाने ने ते दूजे पासे तुसीं देख सकदे हो कि किस तरह नाल सुरक्षा पूरे बठिंडा दे विच वी वधा दित्ती गई है इधर सरकार की दलील है कि पंथक जथेबंदियों के वलों कराए जा रहे सरबत खालसा के नाल सूबे के अमन नु नुकसान पहुँच सकता है जबकि SGPC प्रधान एक बार मुड़ तो गलबात के जरिए सारे मसले का हल कढ़ने की गल कह रहे हैं सरबत खालसा के प्रबंध में लैके सूबे के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सरकार का पक्ष स्पष्ट कर दिता है CM ने कहा कि सूबे में शांति और कानून व्यवस्था के मसले को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के प्रबंध की इजाजत नहीं दी जा सकती CM ऑफिस के वालों की प्रेस नोट जारी करके भी इसकी तस्दीक की गई है थोनों भी पता है उत्ते की हुंदा है जे तुसी वो हालात करना चाहते हो उधर सूबे के खजाना मंत्री ने सरबत खालसा के प्रबंध से बजद गरम ख्याली पंथक आगुआ करड़े हथी लिया उधर BJP आगू अनिल जोशी ने भी प्रबंध को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि शांति से कोई काम करे कोई तो फिर तो ठीक है और जो पहले हुआ था वैसे करना है तो फिर नहीं ठीक है क्योंकि लोग पंजाब के शांति चाहते हैं और जो हशर उनका हुआ कितने लोग इकट्ठे हुए हैं और उसके बाद हशर क्या हुआ लोगों को समझ आ गई उसी टाइम के ये लोग तो फिर उसी आग में धकेलना चाहते हैं जो आतंकवाद की थी पहले सरबत खालसा का कोई सिस्टम होगा ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੇਣ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ SGPC ਮੁਖੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲੇ ਹੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਣਾਅ ਹੋਵੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬੈਠਾਂਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਵਲ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ Z Media ਪਟਿਆਲਾ उधर सरबत खालसा के प्रबंधकों वालों एक बार फिर तो हाई कोर्ट तक पहुँच की गई है तो एक अर्जी पा के कहा गया है कि अदालत के हुक्मों की उलंघना हुई है और हुण अदालत ही दसे कि पटीशन करता की करे उन्हां मुताबक अदालत ने बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर को मंजूरी मंगण की गल कही सी पर जेड़े लोग DC को अर्जी देण गए सी उन्हां नूं ही गिरफ्तार कर लिया गया
तो पटीशन करता दे वकील रंजन लखनपाल दे मुताबक डीसी कोल अर्जी देणगे आगुआं नूं गिरफ्तार किया गया है जो कि अदालत की उलंघना है अते ए भी पुछया कि हुण अदालत दसे कि पटीशन करता की करे। जब हाई कोर्ट के कहने साडा बंदा डिप्टी कमिश्नर दे कोल गया एप्लीकेशन लैके कि सानू इजाजत दी जाए तो उस बंदे नूं ही पुलिस वाले ने चक लिया जिहदी जानकारी अज किसे नूं नहीं हैगा वो कित्थे हैगा तकरीबन हो 200 बंदे उत्थों चक ले गए ने कि असी जिहड़ी एप्लीकेशन पाई है असी क्या हो गया कि एक तो हाई कोर्ट के ऑर्डर की हुक्म बदौली है दूजी गल सानू दस्या जाए कि असी हुण करिए कि एप्लीकेशन वो नहीं लेंदे जिहड़ा बंदा साडा दिन ज़्यादा देने लई उन्हूं चक लैंदे ने इन्हां हालातों के एक आम आदमी करे कि दसो उहदा कित्थों उहनूं इंसाफ मिलेगा। तो इस दे नाल जुड़े हुए कई अहम सवाल ने जिन्हां दे उपर चर्चा की जानी बनती है जिन्हां दे जिहड़े असी हल लभण की कोशिश करांगे। सवाल तुहाडे नाल असी सांझे कर लईए कि तलवंडी साबो च तजवीज़शुदा सरबत खालसा का आगामी विधानसभा चोणां नाल कितना कनैक्शन है ये असी समझण की कोशिश करांगे। दूजा अहम सवाल है कि कुछ पंथक जथेबंदियों नूं सरबत खालसा दे प्रबंधन का पंथक अधिकार है ये अहम सवाल ये भी साडी चर्चा का विषय रहेगा। तो तीजा अहम सवाल ये कि सरबत खालसा दे प्रबंधन विच विघन मौलिक अधिकारां दा हनन है जो कि कहा जा रहा है सरबत खालसा दे प्रबंधकां वल्लों ये अहम सवाल जिहड़े रहणगे जिन्हां दे उपर असीं सवाल जरूर पुछांगे। तो तुहाडे कोलों भी असीं सवाल पुछ रहे हैं जिहदे उपर तुसीं अपनी राय दे के साडे नाल इस प्रोग्राम दे विच जुड़ सकदे हो। तुहाडे कोलों साडा सवाल ये है कि की सरबत खालसा दा प्रबंधन पंथ दे मुताबिक वाजिब है जिस तरह दे नाल कल दे सद्या गया तुसीं इस दे उपर अपनी राय सानूं हाँ जां ना च दे सकदे हो। हाँ दे लई टाइप करो ZPHH स्पेस दे के वाई ते जेकर तुहाडी राय ना चाहे तां टाइप करो ZPHH स्पेस दे के एन ते इस नूं SMS कर दिओ 57575 ते इस सवाल दे उपर तुसीं अपनी राय फोन कॉल दे जरिए भी दे सकोगे जदों असीं अपनी फोन लाइनस खोलांगे। साडा टोल फ्री नंबर तुसीं नोट करके रख लो 1800 1800 3535 इत्थे तुसीं कॉल करके अपनी राय साडे नाल लाइव रख सकोगे। तो सवाल तुहाडे कोलों हैगा साडा एक बार फिर तुहानूं दस दिए साडा सवाल है तुहाडे कोलों कि सरबत खालसा दा प्रबंधन पंथ दे मुताबिक वाजिब है तुसीं अपनी राय इस दे उपर सानूं दिओ हाँ जां ना दे जरिए हाँ जां ना च अपनी राय तुसीं दे सकदे हो सानूं इस मुद्दे दे उपर ZPHH स्पेस दे के वाई लिखो जेकर तुहाडी राय हाँ च है ते ZPHH स्पेस दे के एन लिखो जेकर तुहाडी राय ना विच है ते इस नूं SMS राहीं भेज दिओ 57575 ते इस सवाल प्रोग्राम दे अखीर दे विच तुहानूं तुहाडी राय असीं दिखावांगे कि किन्ने लोकां ने हाँ च राय भेजी है ते किन्ने लोकां ने ना विच राय भेजी है ते नाल ही कॉल भी तुसीं कर सकदे हो अपनी फोन कॉल फोन तुसीं रेडी रखो असीं अपनी फोन कॉल्स खोलांगे तुहाडे लई ते उस वेले तुसीं अपनी राय रख सकोगे। तो चर्चा असीं अपनी शुरू करदे हां साडे मेहमानां नाल तुहानूं रूबरू करा दिंदे हां। साडे नाल ने श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों बीबी हरजिंदर कौर जी बहुत बहुत स्वागत करदे हां। भारतीय जनता पार्टी वल्लों साडे नाल मनजीत सिंह राय जी ने ते सतविंदर सिंह चैड़ियां जैलदार सतविंदर सिंह चैड़ियां जी साडे नाल कांग्रेस वल्लों ने नोएडा स्टूडियो विच साडे नाल मौजूद ने ते जोगा सिंह चप्पल जी अपना पंजाब पार्टी वल्लों साडे नाल जुड़े ने। असीं सरबत खालसा दे हिमायतियां नूं भी बुलाया सी उहनां दा वी आउंदा सी प्रोग्राम पर फिलहाल उह पहुंचे नहीं असीं अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हां। बीबी हरजिंदर कौर जी मैम तुहाडे कोलों ही सब तो पहला मैं सवाल जिहड़ा पुछना चाहूँगा तो ये जो सरबत खालसा का प्रबंधन कल किया जा रहा है तुहाडे मुताबिक तुहानूं की लगता है कि ये होना चाहिए ज नहीं होना चाहिए जे नहीं होना चाहिए तो क्यों? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं कहना चाहूँगी कि पंथ की हर शख्सियत जी जिन्होंने जिंदगी लाई है किते ना किते पंथ की महान सेवा की है बहुत सत्कारयोग ने पंथ के सरमाए ने तो इस सरमाए को पॉजिटिवली सानू उस डायरेक्शन लैके जाने की लोड़ है जिद नाल समुची मुलुकता का भला हो सके जो सरबत खालसा का इतिहासक तौर पर पहला मकसद है। सरबत खालसा सरबत का भला मंगता है
सरबत खालसा सिख सभ्याचार सिख सिद्धांतां ते मानवता की सेवा नूं समर्पित हुंदा। मैं इत्थे जरूर कहांगी कि लंबे समय तो यह विशा विवाद का बनया, इहदा तरीका जिहड़ा अपनाया जा रहा है अपने आप च इस लई ठीक नहीं कि असी किसे एक धिर नूं कदे भी सरबत खालसा नहीं आख सकदे आ। और सरबत खालसा दा तां मकसद ही गुरु साहब ने जदों उन्हां भीड़ां दे वेले जदों सिंघां दे घर घोड़ियां दीआं काठियां ते हुंदे सन, गजनी दे जुल्मां नूं जदों बर्दाश्त कीता सी, इहनां हालातां विच गुरु साहब ने एक विधा बनाई सी साडे सामणे, पंच प्रधानी खालसा पंथ साज के ते डेमोक्रेसी नूं संसार ते नशर करन लई सरबत खालसे दी पिरत गुरु साहब ने पाई सी। छे महीनिआं बाद जदों सरबत खालसा सजदा सी ते ओह सांझे तौर ते पूरी मानवता दे भले दे लई गुरमते करदा सी, सांझे तौर ते फैसले हुंदे सी। मैम इक इक जिहड़ा सवाल जिहड़ा इस दे विच इहदे विच इकट्ठी होवे ते ओहदा पर्पस, इक जिहड़ा सवाल पर्पस जिहड़ा ओह बड़ा, मेरा सवाल वी लै लो नाल जी, जिहड़ा इत्थे इस वेले इह लगदा जी जिहड़ा सवाल इह है कि उन्होंने वालों सबनों सद्दा दिता गया है कि कोई भी इत्थे आ सकदा है, जो भी सिख धर्म नूं मानदा है वह इत्थे आ सकदा है ते इत्थे अपनी गल कह सकदा है, पर वो कह रहे हैं कि सानू करन नहीं दिता जा रहा, प्रशासन सानू मंजूरी नहीं दे रहा, रोक पाई जा रही है, पुलिस कितने ना कितने उन्होंने करन नहीं दे रही है। ये इस चीज़ नूं तुसीं किस तरह नाल देखदे हो कि कोई शांतमई तरीके नाल अपना एक इकट्ठ करना चाहता है जिस नूं उसका जो भी रूप होए, पर उन्होंने वो कह रहे हैं कि साडा मौलिक अधिकार है, साडे धर्म के मुताबिक असीं करना चाहते, सानू नहीं करन दिता जा रहा। मेरा ख्याल है ये नाम इनू सरबत खालसा देना अपने आप च वाजिब इसलिए भी नहीं आ क्योंकि ये अथॉरिटी किदे कोले है कि कोई इदा कॉल करे। असी ये कहांगे कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंथ दी सिरमौर जत्थेबंदी है और वह जत्थेबंदी डेमोक्रेटिक तरीके दे नाल उहदे मैंबर चुन के आउंदे ने, उहदा एक सिस्टम है। और अज किन्नी सोहणी गल है कि अज जदों मीडिया ने सवाल किया है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान प्रोफेसर कृपाल सिंह बडूंगर जी, उन्होंने बड़ा सोहना जवाब दिता है कि सारियां धिरां दे नाल बह के मशवरे करांगे, इन्हां नूं एक प्लेटफॉर्म ते लिआउण दी कोशिश करांगे। सरबत खालसे दी पहलां कोशिश होनी चाहीदी है कि उहदी रूपरेखा सरबत खालसा बने, उस तों बाद इहनूं नां दित्ता जावे। ये इदां लगदा है कि जिवें असीं चुनौती लै के तुरदे हां, शुरुआत ही चुनौती तों करदे हां। हुण तुसीं देखो कल एक खालसा पंथ तां मोगा मोगे च पहुंच रहा है, दूजा खालसा पंथ जिहड़ा पहुंच रहा है तख्त साहब ते, मतलब तीजी धिर जिहड़ी आ देख रहे हैं कि भंबल भूसा पै रहा है। इहनूं असीं सरबत खालसा कह के सारे संसार विच एक अपनी रूपरेखा विगाड़ रहे हां। चलो ठीक ठीक है, तुहाडी राय ठीक है, मैं ठीक है जी, मैं जिहड़े मैं तुहानूं दस दूं, दर्शकां नूं भी दस, ठीक है मैं खड़ा कर गया, ठीक है साडे नाल सरबत खालसा दे वकार नूं सगों डैमेज कर, ठीक है साडे नाल जसकरन सिंह करण जी जुड़ गए ने, सरबत खालसा दे हिमायती ने। जसकरन सिंह करण जी, सरकार दा इह कहना है कि कुछ लोग जिहड़े ने उन्हां दा इकट्ठ नूं सरबत खालसा दा नाम देना सही नहीं है, जो हुण तक तुसीं गल्लां भी सुणियां होणगियां, तुहाडा राय इस ते जानना चाहूंगा। सरबत खालसा जिहड़ा सरबत दा भला मंगदा है जी, सरबत खालसा पूरी सिख कौम दा है। सरबत खालसा नूं करन दी लोड क्यों पई? सरबत खालसा समय समय जदों सिख कौम दे उत्ते भीड़ पैंदी रही, सिख कौम दे श्री अकाल तख्त तो फैसले एक धिर वालों हुंदे रहे, तां सिख कौम ये कदे सरबत खालसा छंभ जोड़ छोया, कदे सरबत खालसा बुझा जोड़ दी धरती ते होया, कदे सरबत खालसा ठिकरीवाल जिहड़ा हुण बरनाले जिले विच उत्थे होया, किते सरबत खालसा 1986 च दमदमी टकसाल दे मुखी बाबा ठाकर सिंह जी वालों बुलाया गया। एक सरबत खालसा 10 नवंबर 2015 नू चब्बे दी धरती दे उत्ते बुलाया गया, 7 लख कोठा लोगों ने इकट्ठे होकर बुलाया। सरबत खालसा इस करके बुलाया गया जदों बापू सूर सिंह जी भुख हड़ताल ते बैठा सीगा ते ओदी लड़ाई ना वटदी सी ना बन्ने दी सी, जिहड़े जर साडे सिंह सी 25-25 साल तो जेलां चों, उन्हां नू रिहा नहीं कीता गया, ये भी कौम की प्रॉब्लम सी। गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ी सत्कारयोग पावन बीड़ बुरज जवाहर सिंह वाले चो 1 जून 2015 नू गिनी मिथी चोरी हो गई, वह भी कौम की प्रॉब्लम सी। जिहड़े दो सिंह ज साडे शहीद हो गए किशन भगवान सिंह ते गुरजीत सिंह, वह भी कौम की प्रॉब्लम सीगी। जदों सिरसे वाले डेरेदार नू बिना माफ़ी मंगिया एक प्रकाश सिंह बादल ते उन्हां दे परिवार दे कहिंदे माफ़ी दे दित्ती गई,
वह भी कौम की प्रॉब्लम सी। एक कौम दियां जिहड़ियां प्रॉब्लमां सी उहदे विचों सरबत खालसा होया। सरबत खालसा दे विच जिहड़ा पिछला होया तो चीड़ी नहीं फटकी, 7 लाख लोगों ने साडा सिख कौम का जिहड़ा महान जिहड़ा जथेदार भाई जगतार सिंह जी हवारा नूं चुणिया गया, जिहड़ा हिंदुस्तान करके ते प्रकाश सिंह बादल करके उहदे ते कोई केस नहीं दिल्ली च, जसकरण जी जिहड़ा इस वेले उहनूं इत्थे नहीं लिआंदा गया। फिर साडे जथेदार ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। एक गल ए जे आपां इन्हां ने इतिहास पढ़िया होवे, इन्हां ने कदे इतिहास तां कदे पढ़िया नहीं, ना ये कदे बाणी दे नेड़े गए है ते ना ही ये कदे बाणे दे गेड़े गए है। ये कहिंदे सियासी है सियासी है, तुसीं सारे जिहड़े बैठे हो इत्थे ये सारे सियासी नहीं गे। जदों श्री अकाल तख्त साहिब 1608 दे विच होंद विच आया, अज 408 साल हो गए ने श्री अकाल तख्त साहब नूं होंद विच आए नूं। अकाल तख्त साहब तो सानू छेवें पातशाह ने मीरी पीरी दा सिद्धांत धर्म ते सियासत सानू कट्ठा दित्ता है। ते जे सरबत खालसा 8 दसंबर नूं कल नूं इत्थे हो रहा सी, इहदे विच कौम दा भला होना सी, कौम दे विधि विधान दी गल होना सी, कौम दे जिहड़े साडे साडी नौजवानी मर रही है, साडी किसानी मर रही है, साडा आम जिहड़ियां साडियां नशे दे विच साडी नौजवानी दा घाण हो रहा है, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਭਾਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ CRP ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਰਗਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਭੀੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਰਸਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਐਂਗਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ?